हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्ट्स पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो हाउ इज द जोश बच्चों, अगेन हाउ इज द जोश बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों। तो लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड एंड लेक्चर थर्ड और लेक्चर फोर्थ, सभी लेक्चर अगर आपने देख रखा है बच्चों तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज से जो बच्चों आपको ज्योमेट्री का जो है प्रॉब्लम्स करवाए जाएंगे उन सारे कॉन्सेप्ट पे जो मैंने लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, लेक्चर थर्ड एंड लेक्चर फोर्थ में मैंने आपको कंप्लीट करवाया, उन्हीं के बेस पे इंटायर क्वेश्चंस करवाएंगे बच्चों। क्वेश्चन के भी दो तीन वीडियोस आपको मिलेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहला क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन जो आपने देखा होगा पॉइंट में, ज्योमेट्री क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इस पे कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सप्लीमेंट्री पे भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन दोनों पॉइंट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस दो पॉइंट पे आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, क्या इसे होता है, इस सारे डिटेल्स मैंने बता रखा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो या चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे क्लास 5 के मैथ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें लेक्चर्स को अटेंड करिए, वहां पे सारे लेक्चर्स आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएगा। वहां पे हमने डिटेल बता रखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, इन सारे बातों को कवर किया है। तो आज बच्चों इन पे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, ये रहा क्या है बच्चों, एन एंगल ऑफ मेजर। क्या कह रहे हैं ध्यान से समझिए, एन एंगल ऑफ मेजर 360 डिग्री, राइट। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है बच्चों, 360 डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 360 डिग्री। तो क्या यानी वो कौन सा एंगल्स है जिसको मेजर करेंगे? आप ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने बेस कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर कोई एंगल यहां से यहां मेजर होता है तो दैट इज कॉल्ड 360 डिग्री। और ये जो अगर ऐसे मेजरमेंट होता है ना, इसको हम लोग 360 डिग्री बोलते हैं। और ये 360 को क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कंप्लीट। क्या बोलते हैं? कंप्लीट, कंप्लीट एंगल, राइट। क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। तो अब ये समझना है, अगर 360 डिग्री का होता है तो एक कंप्लीट एंगल हो गया। अब आप ऑप्शन की तरफ चलिए, ऑप्शन देखिए, पहला क्या है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री का होता है, बताया था मैंने 180 डिग्री, तो ये तो होगा। और राइट एंगल, तो राइट एंगल आपको 90 डिग्री का होता है, ये भी डिस्कस किया था हमने, ये भी नहीं होगा बच्चों, ये 90 डिग्री होगा। अच्छा, अगला है बच्चों सी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी कंप्लीट एंगल। तो ये आपका आंसर है, सी क्या होगा? कंप्लीट एंगल होगा। क्यों होगा? क्योंकि सारे डिटेल्स मैंने अभी बताया कि कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री का होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्लियर हुआ? रफ कर दें, चलिए आप चलते स्क्रीनशॉट ले लो, गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चों, द नंबर ऑफ डिग्री। ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ डिग्री इन टू राइट एंगल्स इज, अच्छा दो राइट एंगल्स क्या होता है? टू राइट एंगल्स। तो याद कीजिए बच्चों, अगर हम वन राइट एंगल की बात कर लें, ये अगर राइट एंगल्स लेते हैं, ठीक है, ये आपके 90 डिग्री होंगे। और एक राइट एंगल्स और लेते हैं, ध्यान दीजिए, एक राइट एंगल्स और लेंगे तो क्या होगा? 90 डिग्री। तो दोनों 90 डिग्री को अगर हम मिला देते तो क्या बनेगा? 180 डिग्री तो बनेगा, राइट। ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री क्या हो गया? 180 डिग्री का बनेगा। तो जिसमें दो राइट एंगल्स होगा, दो राइट एंगल यानी 90 डिग्री इंटू टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होगा ना। टू राइट एंगल्स का मतलब क्या हो गया? 180 डिग्री। तो इसमें से देखिए आपको क्या है, 90 डिग्री नहीं होगा, 180 डिग्री डेफिनेटली है, ये 180 डिग्री होता है। और 270 डिग्री होगा, यहाँ पे तीन राइट एंगल्स होना चाहिए और यहाँ पे चार राइट एंगल्स होंगे। अगर दो राइट एंगल्स होता है, क्या होता है बच्चों? दो राइट एंगल्स होता है ना, राइट, दो राइट एंगल होगा तो क्या होगा? 180 डिग्री। थ्री राइट एंगल होगा तो 270 डिग्री होगा। फोर राइट एंगल होगा तो आपका होगा, क्योंकि फोर राइट एंगल आपको पता है कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये, तब जाकर यानी 90 90 90 90 तब जाकर क्या होगा। तो बात समझ में आ गया,
अगर टू राइट एंगल्स होगा तो 180 डिग्री होगा, आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, वन राइट एंगल होगा तो 90 डिग्री होगा, टू राइट एंगल होगा तो 180 डिग्री होगा, थ्री राइट एंगल्स होगा तो 270 डिग्री होगा, फोर राइट एंगल्स होगा तो आपको 360 डिग्री होगा। क्लियर? चलिए तो फिलहाल तो आपका ये आंसर था, आपने टिक कर लिया होगा बहुत आसानी से, गुड। चलिए अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपको, इफ अ बाइसाइकल, ध्यान से समझिए बच्चों क्या है, इफ अ बाइसाइकल हैज 36 स्पोक्स, ठीक है, एक बाइसाइकल है, ठीक है, इसके अंदर जो बच्चों 36 स्पोक है, ध्यान दीजिएगा कितना है बच्चों 36 स्पोक है, आप इस तरीके से आप बना लेना और काउंट कर लेना, ठीक है, इट हैज 36 स्पोक, ठीक है, देन द एंगल बिटवीन अ पॉइंट एडजेसेंट स्पोक, अच्छा अब कह रहा है कि ये जो दो स्पोक है ना बच्चों, ये जो दो स्पोक्स है, इस दो स्पोक के बीच के जो एंगल्स है वो कितना है ये आपको बताना है, बात समझ में आया, क्वेश्चन फिल जा रहा है कि नहीं, यानी ये आपका एक बाइसेक्टर का क्या है बच्चों व्ही है, इसके अंदर 36 स्पोक है, उस स्पोक में कह रहा है कि ये जो दो स्पोक्स है ना, ये अलग अलग जो दो स्पोक्स है इनके बीच का एंगल्स कितने हैं ये आपको बताना है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको एंगल बताना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, टोटल कितना है 360 डिग्री है, टोटल हमने बताया तो है कि यहां से यहां के जो एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है, वन कंप्लीट एंगल जो होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है, और कितने स्पोक है 36 स्पोक है, तो यहां पे 36 से आप डिवाइड कर देंगे, तो 36 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 10 डिग्री आ जाएगा, इट मींस क्या होगा बच्चों दो एडजेसेंट स्पोक के बीच, ये जो दो एडजेसेंट स्पोक है, ये जो दो एडजेसेंट स्पोक है इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, सॉरी एंगल होगा बच्चों वो 10 डिग्री होगा, 10 डिग्री पे जितने भी 36 स्पोक्स हैं वो लगे हुए होंगे किसमें, बाइसेकल्स में, और आप ऑप्शन में देखिए यस ए में ही है बच्चों, तो ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, क्लियर है समझ में, तो क्यों, क्योंकि 36 स्पोक्स है, 360 को हमने 36 से डिवाइड कर दिया तो 10 आ गया, और 10 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्लियर हो गया, गुड। चलिए आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों आपके सामने है, एन एंगल थीटा इज 1/4 ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल, देखो आगे आपके पास अब सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स मैंने आपको बताया था, फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट पर बता देता हूं, दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है ना बच्चों तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, क्लियर, ठीक है, तो एन एंगल थीटा इज 1/4 ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल थीटा, तो थीटा का मेजर क्या, ठीक है चलिए सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट बी लेफ्ट लेट बी एन एंगल्स एन एंगल्स थीटा, राइट, इट्स सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री में एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, है ना, अगर एक एंगल को हमने थीटा माना तो दूसरा एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस थीटा ही होगा ना, क्योंकि दो एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए, ATQ according to questions कह रहा है theta equals to 1/4 of supplementary angles, ठीक है theta equals to कह रहा है 1/4 of supplementary angle, ध्यान दीजिए यहाँ पे कह रहा है ना कि theta is 1/4 of supplementary angles, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब क्या करेंगे इसको इधर लेके आइए, तो 4 theta equals to क्या हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा, इस माइनस को इधर उठा के लाएंगे तो 4 और 1 क्या हो गया 5 इक्वल्स टू क्या हो गया 180 डिग्री, अब थीटा से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 180 बटे क्या हो गया 5, ठीक है, तो अब इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा, है ना, अब आप चाहो अगर नहीं आपको डिवाइड आता तो इस तरीके से आप डिवाइड कर लो बहुत आसानी से, 5 किया 15, ठीक है जी 5 आ गया यहां पे 3 और ये जगह 36, राइट, और यहाँ पे क्या 0 6 5 36 36 आ जाएगा, तो 36 आपका क्या होगा आंसर होगा,
तो जो थीटा की वैल्यू होगा बच्चों वो क्या हो गया 36 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा 36 डिग्री। तो देखो ऑप्शन ए है तो ये आपका आंसर है। फील आया कि नहीं? तो यही है बच्चों कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर, कॉन्सेप्ट पावर होता है। इसीलिए मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट करवाया कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न हो जाएगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम बच्चों चुटकियों में उड़ा दोगे, है ना, इसीलिए करवाया। आई होप समझ में आ गया। चलो आप चाहते हैं इनके स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पे आपके सामने बहुत प्यारा सा द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ऑफ एन एंगल इज डबल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स। वाओ क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझिए, थोड़ी सी कंफ्यूज है क्या है। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज डबल, ठीक है, एक एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है, द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स क्या है। बच्चों बहुत घुमाया हुआ है क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, आप ऐसे कर लो लेट द एंगल बी एक्स, एक एंगल एक्स है, राइट, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कह रहे हैं, डबल है बच्चों, क्या कह रहे हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो डबल हो जाते हैं, राइट। तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ ले लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x प्लस टू एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि दो एंगल का जो सम होता है वही तो 90 डिग्री होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बताया भी था मैंने आपको एंगल ए और एंगल बी, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, तो लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया 3x, 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब इस चीज को डिवाइड कीजिए 30 डिग्री, तो x की जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हमारा 2x निकल के आया, तो 2 * क्या हो जाएगा 30, ये क्या हो जाएगा सॉरी 60 डिग्री आ जाएगा। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आया हमारा वो क्या निकल के आता, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तो 60 हो जाएगा, और अगर एंगल्स हैं तो आपको 30 डिग्री आ जाएगा, तो इवन आपका जो आंसर है वो 60 डिग्री आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री हमसे पूछ रहा है, तो राइट क्या होगा 60 डिग्री आएगा, राइट, क्योंकि 30 का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो तो 60 ही होगा, और 60 का अगर कॉम्प्लीमेंट्री बात करें तो 30 डिग्री होगा, राइट। तो फिलहाल आपका ये आंसर है 60 डिग्री है। आई होप क्लियर हो गया, आसानी से बहुत मजे से समझ आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बच्चों को तो आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा, तो ये कमेंट करके जरूर आप बताएं, राइट, समझ आ गया ना। ओके चलिए आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों 6 में डिफरेंट बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अभी मैंने आपको बताया इज 10 डिग्री, ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बोथ एंगल। अच्छा यहाँ पे दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस है वो हमें 10 डिग्री दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि दोनों एंगल का वैल्यूज बताइए, तो क्या करना है, कुछ नहीं बच्चों आराम से कॉन्सेप्ट लगाना है, लेट बी एंगल एक्स ले लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 डिग्री माइनस एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या करना है, तो एक्स राइट माइनस डिफरेंस दे रखा है, तो 90 डिग्री माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि दो एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है, उसी को तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, और इस दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों कितना दे रखा है 10 दे रखा है, यहाँ पे 10 आएगा बच्चों, क्या आएगा यहाँ पे 10 आएगा, ध्यान दीजिएगा, राइट, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि टू एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना है 10 डिग्री से, तो यहाँ पे आप 10 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, बस इतना ही था आपका मैथ्स, अब ये कॉन्सेप्ट था, अब आपका मैथ्स आ जाता है, कैलकुलेशन आ जाता है, कैसे देख लीजिए सिंपल, इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 10 डिग्री, ठीक है। अब x से x ऐड हो जाएगा, ये x और ये x ऐड कर दो तो निकल के आ जाएगा 2x, ठीक है। अब इस 90 को माइनस लेके जाओगे तो प्लस,
तो 90 प्लस 10 क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, और इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या होगा 50, मतलब x की वैल्यू क्या निकल के आ गया 50 डिग्री आ गया, x की वैल्यू क्या निकल के आ गया 50 डिग्री निकल के आ गया। ओके तो x हमारा 50 डिग्री आ गया, और दूसरी वैल्यू निकाल लो तो दूसरा क्या 90 डिग्री माइनस x, तो 90 डिग्री माइनस 50 इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा 40 डिग्री आ गया। तो ए क्या हो गया 50 डिग्री निकल के आ गया, और ए क्या हो गया 40 डिग्री निकल के आ गया। तो ये आपका क्या होगा बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएगा, क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब आप यहाँ पे देखो क्या है, ये एंगल्स है क्या, यस सी में है बच्चों 50 डिग्री एंड 40 डिग्री, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया 50 डिग्री एंड 40 डिग्री, इन दोनों का सम करोगे तो आपको 90 डिग्री होगा, और यही तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहता है कि दो एंगल का जो सम 90 डिग्री होता है तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्लियर हो? चलिए मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने गुड। चलिए अब इनको रफ करते हैं, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों ये रहा, डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 10, फाइंड वन एंगल्स। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस है वो आपको 20 दे रखे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वन एंगल। यहाँ पे एक एंगल की वैल्यू पूछ रहा है, वहां पे दो एंगल पूछ रहा था, यहाँ पे वन एंगल पूछ रहा है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट वही लगाना है। लेफ्ट लेफ्ट बी एन एंगल्स, राइट एक एंगल हमने एक्स ले लिया, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, इट्स सप्लीमेंट्री ना, राइट सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री क्या होता है, दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो हम उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू, तो x माइनस 180 डिग्री माइनस दैट इक्वल्स टू क्या होगा 20 डिग्री, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये था कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में क्या रहता, अब आपको कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन करते चलिए, x माइनस 180 डिग्री और ये हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू क्या हो गया 20 डिग्री, x को x के साथ रखो ये हो जाएगा 2x, इसको उधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 200 हो जाएगा, इस 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 100 आ जाएगा, तो जो x की वैल्यू आया वो कितना निकल के आ जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। अगर डिग्री की बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू कितना आया, x की वैल्यू 100 निकल के आया। अब आप देखो इस ऑप्शन में है क्या, ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, सी भी ऑप्शन नहीं है, राइट। अच्छा बच्चों ने तो x की वैल्यू निकाला ना, अब इसकी वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगा, राइट 180 डिग्री माइनस क्या होगा 100, तो क्या निकल के आ जाएगा 80 डिग्री, तो 80 डिग्री आपका क्या होगा आंसर, राइट सी होगा बच्चों, सी क्या है बच्चों आपका आंसर है। तो आई होप आपने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे, अगले स्लाइड में देखते हैं बच्चों क्या है। तो इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, इस तरीके से बच्चों जिसको भी बेनिफिट होने वाला है सभी को ग्रुप में शेयर कर दो, मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहो, ऑल द